राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किए जाने को लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में कांग्रेस जनों ने शुक्रवार को मशाल रैली निकाली, जिसमें केंद्र में भाजपा सरकार का जबरदस्त विरोध किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद आवास खाली करने का नोटिस दिए जाने पर कांग्रेस जनों ने आक्रोशित होकर मशाल रैली निकाली। गांधी चौक से निकाली गई मशाल रैली ने इंदिरा मार्केट का गश्त किया। इस दौरान रास्ते भर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शहर विधायक अरुण वोरा, जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुशील भारद्वाज ने मशाल रैली के बारे में जानकारी इस प्रकार से दी। देखिए, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राहुल गांधी जी से डरी हुई है, बदले की भावना से कार्य कर रही है। और आज पूरा देश, जब केंद्र की भाजपा सरकार ने राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की, उस समय समाप्त की जब वे सच कह रहे थे, देश की सच्चाई को सामने ला रहे थे, उस समय उनकी सदस्यता को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया। पूरा देश आज भाजपा के खिलाफ है, उनके इस आचरण इसलिए खिलाफ है कि किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि की सदस्यता को समाप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि जनता उसे चुनकर भेजती है। ये प्रजातंत्र का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उड़ाया है, जिसका पूरा देश विरोध करता है, पूरा देश निंदा करता है, पूरे देश में भाजपा की इस कार्यवाही की भर्त्सना हो रही है। आज विश्व में, आज हम अपने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के मार्गदर्शन में और हमारी प्रभारी शैलजा जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग राहुल गांधी जी के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं और हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने हमेशा सच कहा है, जो भी कहा है उन्होंने सच कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी और आज राहुल गांधी जी इस देश की बागडोर को संभाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी विरोध कर ले, उनका कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, रोक सके तो रोक ले, लेकिन राहुल गांधी जी 2024 में इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये दमनकारी नीति अपना रहे हैं और एक प्रकार से हिंदुस्तान में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। ये तानाशाही रवैया है, ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। अडानी को लेकर वो लगातार जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, उसके दस्तावेज को वो उन्होंने प्रस्तुत किया है। उसके बाद भी मोदी सरकार, 20,000 करोड़ का जो घोटाले की बात हो उन्होंने कही है वो बिल्कुल सच है। उस सच्चाई का सामना करने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है। हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। केंद्र सरकार की जो तानाशाही रवैया है, हमारे नेता राहुल गांधी को की सदस्यता को समाप्त करना, उसके बाद उनके पीछे लग के ये हरकत करना कि उनके घर घर को भी खाली करने का नोटिस जारी करना, ये कहीं ना कहीं शो करता है कि जो मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि अगर उनसे कोई लड़ने की कोशिश करेगा तो उसको नेस्तनाबूद करें। मगर उसको ये जानना चाहिए कि कांग्रेस सदैव ऐसे लोगों से लड़ती आई है और हमारा कहीं ना कहीं ये स्थिति रही है कि हमने हमेशा आजादी की लड़ाई लड़ी है और आज भी हम इन चोरों से लड़ेंगे और हम राहुल गांधी के साथ में, और हर घर राहुल गांधी का घर है।